नमस्कार फ्रेंड, मैं मृत्युंजय कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने फैसिलिटी चैनल डी मृत्युंजय समय। फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास का मैथ का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 8.1 और 8.2 और 8.3 को हम लोगों ने आसानी से सॉल्व किया था। आज फ्रेंड्स, हम लोग करने वाले हैं 8.4 को। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं 8.4 में कैसा क्वेश्चन है और इसको किस प्रकार से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक और टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम 8.4 में जो भी क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से फार्मूला यूज होने वाले, पहले सबसे पहले उसको हम लोग पहले देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला को हम लोग जो परिचय के वीडियो में पढ़ा था उसको हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला फार्मूला जो उपयोग होने वाला है ए 8.4 में, ये पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा फार्मूला है कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और चौथा नंबर है जैसे टैन थीटा, अगर इसको हम बोले कि साइन कॉस को में लिखना है तो क्या होगा, साइन थीटा वटा क्या कॉस थीटा। अगला है पांचवा नंबर है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट रिवर्स, टैन का रिवर्स क्या होता है, कॉट होता है, तो क्या होगा कॉस थीटा वटा क्या जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर अब 6 पर देखते हैं। फॉर्मूला नंबर मेरा 6 है कॉस थीटा बराबर 1 बटा क्या होता है, सेक थीटा, यानी कि कॉस थीटा का जस्ट रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा होता है। फॉर्मूला नंबर मेरा है 7, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा। ठीक है, यानी फार्मूला नंबर मेरा क्या होगा 7। और भी फार्मूला है इसमें देखते हैं, टैन थीटा, यानी कि फार्मूला नंबर मेरा हो गया 8। ठीक है, यानी टैन थीटा बराबर क्या होता है, इसका रिवर्स होता है 1 बटा कॉट थीटा। फार्मूला नंबर 9 है, फार्मूला नंबर 9 है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब फ्रेंड्स आते हैं 10th नंबर। 10th नंबर फार्मूला जो हम इसमें उपयोग होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहे तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि दोनों को प्लस में लिखेंगे इंटू में लिखेंगे। अब फॉर्मूला नंबर आता 11, फॉर्मूला नंबर 11 है फ्रेंड्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब फॉर्मूला नंबर 12 फॉर्मूला नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, जिस प्रकार से ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर लिखे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, उसी तरीके से लिखेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि दोनों क्या हो गया, माइनस हो गया। अब फार्मूला नंबर आता है फ्रेंड्स 13 नंबर, जो बहुत ही जरूरी फार्मूला है, यानी उपयोगी फार्मूला कह सकते हैं इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार इसका उपयोग होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, ये फार्मूला नंबर मेरा हो गया 13। अब आते हैं फ्रेंड्स फार्मूला नंबर 14 यानी 14। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, यानी कि एक माइनस ए माइनस बी हो गया। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला है 14 नंबर फार्मूला है। ये सभी फार्मूला काफ़ी उपयोगी फार्मूला है। ये सभी फार्मूला का उपयोग करके हम लोग 8.4 को
आसानी से सोल्व करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए कॉस ए के और टैन ए को क्या किसे बदलना है, कॉट ए के पद में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो किस प्रकार से हम बदलते हैं ये देखिए, साइन ए तो साइन ए बराबर हमको कॉट में बदलना है, कैसे बदलते हैं जो देखेंगे। साइन का जस्ट रिवर्स क्या होता है, कौशिक होता है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कौशिक यानी वन वटा कौशिक, ठीक है। एंगल यहाँ क्या है, ए है तो यहाँ ए लिखा, ठीक है। अब देखिए कौशिक का रिलेशन कॉट में है क्या, तो देखिए कौशिक का रिलेशन क्या है, कॉट में है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बराबर के इस साइड यानी कि बाएं साइड में क्या है, माइनस कॉट स्क्वायर है, तो इसको हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, ये माइनस में इस जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कुछ इस प्रकार से कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इधर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि कॉस सेक थीटा बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि यही कॉस सेक थीटा की जगह पर यहाँ लिख सकते हैं इतना, यानी इस वैल्यू के लिए हम इतना रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होगा, एंगल यहाँ मेरा ए है तो ये देंगे, और क्या होगा इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। इस तरीका से फ्रेंड हम लोग साइन ए को आसानी से कोट के पद में बदल दिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखते हैं सेक का, सेक को हम किस प्रकार से बदलने वाले हैं कोट में, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए इसको सेक पहले लिखेंगे सेक ए, तो सेक ए इसको किस प्रकार से बदलते हैं, देखिए सेक ए बराबर पहले देखेंगे किसका रिलेशन है जो, देखिए तो सेक बराबर किसका है, टैन का रिलेशन है, तो इसको अगर इस साइड लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस साइड क्या है माइनस में, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट वन प्लस क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि पहले सेक ए बराबर यहाँ रख सकते हैं हम क्या, इतना बराबर क्या रखेंगे, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट में क्या अंदर रखेंगे क्या, वन प्लस टैन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ एंगल मेरा ए है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए वन प्लस क्या है, टैन स्क्वायर ए है, तो टैन का जस्ट रिवर्स क्या होता है, कॉट होता है। देखिए टैन का यहाँ टैन का देखेंगे, टैन का जस्ट रिवर्स क्या होता है, वन बटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो टैन के यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वन बटा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, जस्ट टैन का क्या होता है, रिवर्स होता है, तो नीचे आ जाएगा। अब फ्रेंड्स को क्या करेंगे, एलसीएम अगर लेंगे तो एक कॉट स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, वन, अब पूरा का क्या हो जाएगा, रूट होगा। यानी कि सेक को हम लोग आसानी से कॉट के पद में आसानी से बदल लिए। आइए फ्रेंड्स सोल्व करते हैं टैन ए को किस प्रकार से बदलते हैं। तो यहाँ टैन बराबर क्या होगा ये देखेंगे, तो टैन बराबर अभी फार्मूला हमने लिखा है, जस्ट इसका क्या होता है, रिवर्स होता है, तो यहाँ सिंपल लिख देंगे क्या, कॉट ए। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से क्या कर लिए, सोल्व कर लिए। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर मेरा सेकेंड है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है कौन कौन, तो साइन ए कॉस ए टैन ए सेक ए कॉस ए कॉट ए, ये सभी क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। इसको सभी को बदलना है किस में, सेक में बदल देना है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं बारी बारी से सभी को सोल्व करके देखते हैं, सबको सेक में बदलने का कोशिश करते हैं, देखते हैं। साइन ए तो साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, तो साइन बराबर जस्ट देखते हैं कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, यानी कि कॉस को अगर इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी कि
साइन थीटा बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, वन माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन के जगह पर हम, साइन थीटा के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, यानी वन माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, एंगल ए है तो यहाँ एंगल ए दे दिया, ठीक है। यहाँ हम थीटा ये फार्मूला में चुके इसलिए फार्मूला में लिख दिया है। अब यहाँ एंगल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखते हैं, वन माइनस कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कॉस का उल्टा देखेंगे यहाँ क्या है, सेक है, तो इसको लिखेंगे क्या, वन वटा सेक ए, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर है तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसको, जब हम वन और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए इसको से इसको भागा देंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए मतलब लगेगा, और इसको क्या करें, गुना करके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए आ क्या होगा, माइनस वन हो जाएगा। अब पूरा का रूट है तो हम भी क्या कर देंगे, पूरा का रूट कर देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए क्या होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस वन है, और इसका जो स्क्वायर है इसका रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सेक ए बचेगा, और इसका क्या हो जाएगा, रूट होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग साइन को आसानी से सेक में बदल लिए। आई फ्रेंड्स हम लोग कॉस में, कॉस को सेक में बदलते हैं तो कॉस बराबर क्या होता है, तो कॉस ए, यानी कॉस ए, तो कॉस जस्ट रिवर्स, कॉस का जस्ट रिवर्स क्या होता है, सेक होता है, तो इसको लिख देंगे क्या, वन वटा क्या हो जाएगा, सेक ए, ठीक है। इस प्रकार से हम आसानी से हम लोग कॉस को आसानी से सेक में कन्वर्ट कर लिए। अब आइए टैन, तो टैन को हम कैसे करते हैं, ये देखिए, तो टैन का देखिए सेक के साथ रिलेशन है, यानी कि अगर टैन का बात किया जाए तो टैन इधर माइनस में ई साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अगर और ए एक इधर क्या है, प्लस में ई साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कुछ इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस में पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ए वन है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, किसके बराबर, टैन थीटा बराबर, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस वन ऐसा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टैन को आसानी से हम लोग सेक में कन्वर्ट कर लिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स कॉट को किस प्रकार से हम लोग बदलते हैं सेक में, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। सबसे पहले कॉट को लिखते हैं, तो कॉट ए बराबर क्या होगा, तो कॉट का जस्ट रिवर्स क्या होता है, तो कॉट का जस्ट रिवर्स यहाँ देखेंगे, कॉट का जस्ट रिवर्स यहाँ वन वटा क्या होता है, टेन होता है, कॉट का जस्ट रिवर्स वन वटा टेन होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वन वटा क्या, टेन, ठीक है। आप फ्रेंड्स देखिए टेन ए बराबर हम लोग क्या लिखे थे, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वन वटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। इस प्रकार से आसानी से हम लोग कॉट को भी सेक के पद में बदल दिए। अब फ्रेंड्स देखते हैं कौशिक, कौशिक को हम किस प्रकार से बदलते हैं, तो कौशिक का उल्टा क्या होता है, देखते हैं साइन, तो कौश का देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कौशिक का उल्टा क्या होता है, यानी कि अगर यहाँ बात करें तो यहाँ साइन आ जाए, साइन है जो यहाँ आ जाएगा, अकौशिक है जो यहाँ आ जाएगा, यानी कि कौशिक बराबर वन बटा क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। तब कौशिक, अब साइन के देखिए बदलते हैं कौश में कैसे, तो इसको क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस वन स्क्वायर, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, वन है, तो इधर प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ले आएंगे क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से कहने का मतलब हो गया ऐसा कि वन माइनस अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा,
थीटा, यहाँ एंगल मेरा ए है तो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ स्क्वायर हटाएगा तो क्या होगा, रूट होगा, इसीलिए मैंने रूट दे दिया। ठीक है, अब यानी कि इसके इसके लिए यानी साइन के बदले हम इतना लिख सकते हैं। अब बटा में इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं, साइन ए हो गया। अब साइन के बराबर ई वन बटा वन है तो यहाँ लिख दिया, और साइन के बराबर हम क्या लिखें, वन माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस में कॉस स्क्वायर है, थीटा है, तो इसको पीटी आगे क्या होगा, माइनस में माइनस हो जाएगा, और इसको स्क्वायर हटाएंगे तो पीटी क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कॉस को भी सेक के पद में आसानी से बदल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे बदलते हैं सेक में, ये देखिए यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं तो लिखते हैं वन माइनस, देखिए कॉस का जस्ट रिवर्स क्या होता है, तो कॉस का जस्ट रिवर्स मेरा क्या सेक है, तो क्या लिखेंगे, वन बटा सेक स्क्वायर ए। अब इसको सीधा इसको एलसीएम लेंगे वन आओ सेक स्क्वायर का, तो क्या लिखेंगे, यहाँ आगे स्टेप में लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, अब माइनस वन बटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और इसका क्या हो जाएगा रूट। अब इसका देखिए स्क्वायर है और ऊपर क्या है रूट, अगर स्क्वायर हटाएंगे इसको करेंगे, इसको रूट करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर गायब हो जाएगा और जो सबसे नीचे है चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। तो यानी इसको किस इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं। इसको अगर बात की जाए इसको लिखने का, तो हम लिखेंगे क्या सेक ए वटा क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कौशेक को भी सेक के पद में बदल दिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा थर्ड है, क्वेश्चन नंबर मेरा थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरा दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको सोल्व करना है, किस प्रकार से सोल्व करते हैं देखिए फ्रेंड्स। अब क्या है कि फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन। अब देखिए यहाँ दोनों साइन है तो क्या करेंगे, दोनों साइन में से किसी भी साइन को क्या करते हैं कॉस में बदल लेते हैं। और नीचे देखिए दोनों कॉस में है तो वो क्या है कि एक कॉस को साइन में बदल देते हैं, या तो इसको बदले या इसको, दोनों में से किसी को भी बदल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स पहले इसको हम लोग सोल्व करके क्या करते हैं, हम कॉस में साइन को कॉस में बदल देते हैं ताकि ये फार्मूला पर आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा वन, यानी ऊपर वाला भी वैल्यू बन आ जाए नीचे वाला वैल्यू आ जाए वन, यानी वन बटा वन, यानी कि इसका आंसर बना जाए। तो देखिए कैसे हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको हम जस्ट लिख दिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हम लोग 8.3 का जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ये परिचय के वीडियो में हम लोग इसका बारे में सीखे थे, ये फार्मूला के बारे में जाना था, इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। एक फार्मूला ये था कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, इसका भी हम लोग उपयोग करेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर 27 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस क्या है 27। देखिए अब जितना थीटा का जो वैल्यू है, यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू मेरा कितना है 27 डिग्री, यानी कि यही 27 डिग्री क्या करेंगे थीटा का वैल्यू को जगह पर लिखेंगे। जितना इस एंगल का मान होगा उतना ही इस एंगल का मान होगा, तो साइन थीटा के जगह पर हम लोग इतना वैल्यू क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए नीचे पार्ट वाला पार्ट में देखेंगे। अब यहाँ है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री यानी 17 डिग्री है प्लस, अब देखिए कॉस को क्या करना है इसको साइन में बदल देने के लिए ताकि हो जाए क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको बदलेंगे तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इतना के जगह पर, और थीटा मेरा कितना 73 है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 73 लिख देंगे, तो यानी कि साइन 90 माइनस क्या होगा 73। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 63, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर 90 में 27 हटे कितना गया 63 बटा, अब देखिए
कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 17 यानी 17 डिग्री प्लस यहाँ साइन हो गया स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हाँ छूट गया था, स्क्वायर लिखना भूल गए थे। अब देखिए 90 में से 73 घटा जाए तो क्या जाएगा, 17 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यानी कि इतना के बराबर, यानी इस वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से इतना वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 + 3 = 8 होगा और 3 + 5 = ये भी 8 होगा। प्लस में आगे पीछे लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ समझें कि यहाँ कॉस क्या पर है, कॉस यहाँ साइन क्या पर है, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यानी कि दोनों ऊपर वाला भी 1 आ जाएगा, नीचे वाला भी 1, यानी 1/1, यानी कहने का मतलब इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग थर्ड भी कर चुके हैं। फिर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, एक क्वेश्चन और था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन मेरा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सोल्व करते हैं, क्या है कि हम मेरा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करेंगे, इसको या तो साइन का कॉस में बदल दे या कॉस को साइन में बदल दे। तो कॉस को अगर हम साइन में बदल देते हैं तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन को बदल देते हैं कॉस में तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इधर भी क्या करेंगे, कॉस को साइन बदल देंगे तो इधर साइन आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या कॉस स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ कॉस को बदल देते हैं साइन में तो यह होगा साइन, इधर भी साइन, यानी साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या करते हैं, साइन को किस में बदल देते हैं, कॉस में, या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इतना बड़ा क्या होता है, 1 होता है, पहला मेरा फॉर्मूला। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, कॉस को क्या बदलते हैं, साइन बदल देते हैं, ठीक है, यानी साइन 25 डिग्री। अब देखिए कॉस 65, यानी कि इस फार्मूला को हम बात कहते हैं, इस पर हम रखेंगे यहाँ क्या है, थीटा का वैल्यू कितना है 65, तो यहाँ 65 रखा, और यहाँ थीटा का यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 65, क्योंकि बोल चुके हैं कि ये थीटा का मान जितना होगा उतना ही यहाँ भी थीटा का मान होगा। तो क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, 65 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं यहाँ, अब इसको साइन कॉस को तो साइन बदल दिया, अब कॉस को यहाँ लिख देते हैं, कॉस को रह देते हैं, ठीक है। अब ये साइन को बदलते हैं किस में, कॉस में, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, साइन को हम बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, नहीं क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा कितना मेरा, 65 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 65 डिग्री, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए साइन 25 डिग्री, और जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये मेरा साइन 25 डिग्री प्लस यहाँ क्या है, कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस क्या हो जाएगा, 90 में से 65 रहेगा कितना आ गया, 25 डिग्री। यानी बात करें तो अगला स्टेप का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों साइन साइन है गुना में है, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों गुना में है, दोनों सेम डिग्री है, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। अब फार्मूला देखिए, मेरा पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्वेश्चन था, दोनों हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा है MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी इसको सॉल्व करना है और इसको देखना है कि चार ऑप्शन में से कौन होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है 9 sec² a माइनस 9 tan² a बराबर है, यानी कि इसमें से कौन से ऑप्शन के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, यानी कि 9 क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकाल लिया। अब बचा अंदर क्या, sec² a और माइनस क्या बचा, tan² a। आपको पता है फ्रेंड्स कि sec² a माइनस tan² a बराबर क्या होता है, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है, 1। उसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, sec² a यहाँ थीटा का यहाँ पर क्या, मेरा एंगल दिया हुआ है, यहाँ भी एंगल थीटा का यहाँ पर ए दिया हुआ है, यानी कि sec² a माइनस क्या होगा, tan² a, यानी इतना के बराबर क्या लिख सकते हैं,
हम लोग वन लिख सकते हैं, नाइन गुना क्या हो जाएगा वन, यानी कि नाइन गुना का वन क्या हो जाएगा नाइन होगा। इस तरीके से मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का सेकेंड एम सी क्यू की ओर। तो भाई फिर देते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा सेकेंड है, फोर का सेकेंड। इसको सोल्व करने के बाद हमें चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा वैल्यू आता है इसको देखते हैं। इसको पहले सोल्व करते हैं, वन प्लस टैन थीटा। तो टैन को क्या करना है, साइन और कॉस को में लिखना है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है ये देखेंगे। तो टैन थीटा बराबर होता है साइन बटा क्या होता है कॉस होता है। ठीक है तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा क्या लिखेंगे कॉस थीटा। अब सेक का जस्ट रिवर्स, तो सेक का जस्ट रिवर्स क्या होता है यहाँ देखेंगे। तो सेक क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक। ठीक है तो यहाँ क्या लिखेंगे, वन बटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा है। यहाँ है क्या, वन प्लस अ कॉट। तो देखिए कॉट क्या होता है टाइन का क्या होता है रिवर्स होता है। तो यहाँ टाइन बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस है, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस ऊपर चल जाएगा साइन नीचे चल जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है माइनस यहाँ कौशिक है, तो कौशिक का रिवर्स क्या होता है साइन होता है। यहाँ देखेंगे कौशिक का रिवर्स क्या होता है साइन होता है, यानी कि लिखेंगे क्या, वन बटा क्या साइन थीटा। ठीक है अब फ्रेंड देखिए एलसीएम जब लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ये देखिए यहाँ कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो वन, यानी कि एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है अब इसको सही से भागा दें कॉस थीटा, गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा प्लस। अब क्या करेंगे इससे भागा देंगे तो एक कट जाएगा एक बताबे, और गुना करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा प्लस। इसको क्या होगा कॉस से कॉस थीटा कट जाएगा तो बच गया क्या एक। ठीक है अब इसको देखते हैं, इसका में भी एलसीएम क्या होगा साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ वन है तो क्या होगा साइन थीटा। ठीक है अब वन से भागा देंगे साइन थीटा हो गया, यहाँ गुणा करके हो गया साइन थीटा, इसमें तो कट जाएगा तो वन, यहाँ क्या होगा कॉस थीटा, माइनस क्या हो जाएगा साइन साइन कट जाएगा तो क्या होगा वन। ठीक है अब फ्रेंड्स इसको देखिए क्या है कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर इतना का हम मान लिए, इतना वैल्यू मान लिया था ए और इसको मान लेते हैं क्या बी। ठीक है यहाँ सेम है, इतना का मान लिया क्या ए और इसको क्या मान लिया हम लोग बी, यानी देखेंगे कि इतना ए प्लस बी, यहाँ यहाँ ए माइनस बी, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ए गो प्लस में और ए गो क्या है माइनस में, तो इसको एक प्लस में एक माइनस को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या हो गया, साइन थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर बटा क्या हो गया कॉस है इधर साइन है, यानी क्या लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या टू ए बी। तो टू क्या है टू ए बी, यानी कि टू कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा। और देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा और एक का स्क्वायर क्या होगा एक हो जाएगा बटा क्या है कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यानी इतना बराबर क्या होता है, ये मेरा पहला फार्मूला, इतना बराबर क्या होता है वन होता है। तो क्या लिखा वन आ क्या हो गया टू कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा माइनस वन बटा क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ई प्लस में आई माइनस में कट गया, ठीक है बचा क्या टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं, जगह कम है लेकिन फिर भी हम यहाँ क्या करते हैं लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या बचा मेरा टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा क्या हो गया कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नीचे है, दोनों कट जाएगा बचा क्या मेरा दो, यानी मेरा आंसर ये सोल्व करने के बाद क्या आया दो आया, यानी कि ऑप्शन मेरा क्या होगा सी होगा। ठीक है बढ़ते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर, अगले एम सी क्यू की ओर। आइए फ्रेंड्स देखते क्वेश्चन नंबर
फोर का थर्ड एमसीक्यू क्या है ये देखिए, सेक ए प्लस टैन ए इंटू वन माइनस साइन ए बराबर है, ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसके बराबर है तो देखते हैं किसके बराबर है। तो पहले सॉल्व करते हैं, देखिए सेक, सेक का जस्ट रिवर्स क्या होता है, सेक किसका रिवर्स होता है, कॉस का, यानी क्या लिखेंगे, सेक का वन वटा क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा मेरा एंगल ये है तो यहाँ भी थीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। प्लस टैन, टैन बराबर क्या होता है, साइन वटा कॉस, ठीक है, साइन वटा कॉस, यानी कि टैन, यानी कि साइन ए वटा क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, वन माइनस क्या है, साइन ए, अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा वन प्लस साइन ए अब वटा क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। और यहाँ क्या है, वन माइनस क्या है, साइन ए, एक प्लस एक माइनस, यानी कि एक प्लस एक माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वन का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। अब देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, यानी कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, वन माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बटा क्या होगा, कॉस ए। अब देखिए वन माइनस, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि हम कहने का मतलब है कि इसको साइन को ई पढ़ी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए होएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या, कॉस होगा, तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अब अटा क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस को कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, दो बार लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को, ऐसे कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, अब अटा क्या होगा, कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया, बच गया क्या हमें, कॉस ए। इस प्रकार से हमें क्या फाइनल बचा, कॉस ए, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग थर्ड एमसीक्यू कर लिए। अब बढ़ते हैं फोर पर, तो आइए फिर देते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का, ये मेरा चौथा एमसीक्यू है, ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इतना बराबर क्या होगा, ये ऑप्शन चारों में से कौन बराबर होगा देखते हैं, इतना बराबर। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ फार्मूला पर आवेंगे तो देखिए ये माइनस में टेन है, तो इस साइड ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वन प्लस टेन स्क्वायर है, यानी इधर क्या बचा, सिर्फ सेक स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। यहाँ थीटा है तो थीटा बोलेंगे, ठीक है, यानी कि वन प्लस का जगह टेन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ देखेंगे वन प्लस कोड स्क्वायर है, तो वन प्लस कोड स्क्वायर इसको देखिए माइनस में जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, कौशिक बचेगा, तो ठीक है, इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, कौशिक, ठीक है। अब देखिए सेक का उल्टा क्या होता है, तो सेक का उल्टा होता है क्या, कॉस होता है, तो सेक किसका उल्टा है, देखिए कॉस का, तो यहाँ लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए बटा, यहाँ देखिए कॉस, कॉस का क्या होता है, साइन, तो यहाँ क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कॉस का क्या होता है, वन बटा क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए सबसे नीचे वाला सबसे क्या चल जाएगा, ऊपर चलेगा, तो सबसे ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब साइन बटा कॉस क्या होता है, होता है टैन स्क्वायर ए। अभी देखेंगे साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन, इसलिए क्या होगा, टैन, यानी कि ए बी सी डी, यानी तीन ऑप्शन में कौन मेरा सही होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर को भी सोल्व आसानी से कर लिए। तो आइए फ्रेंड्स देते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को, क्वेश्चन नंबर फाइव हमें सिद्ध करना है। सिद्ध किस प्रकार से करना है कि ए मेरा दायां साइड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आरएचएस, यानी कि दायां पक्ष, और ए मेरा क्या है, बायां पक्ष है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एलएचएस। तो हमें क्या करना है, एलएचएस को क्या करना है, बराबर कर देना है किसको, आरएचएस को बराबर कर देना है, यही हमें सिद्ध कर देना है, यानी कि इस पक्ष को इसके बराबर कर देना है, या इस पक्ष से इसको बराबर कर देना है, यानी दोनों पक्ष को आपस में क्या करना है, बराबर कर देना है। हमको क्या करना है कि बायां पक्ष को दायां पक्ष क्या करना है, बराबर कर देना है। देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से हम लोग दायां और बायां पक्ष को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, यानी एलएचएस और आरएचएस को बराबर करते हैं। देखिए इसको सोल्व करते हैं, अब तक फार्मूला आपको याद हो गया होगा कि कॉस का जस्ट रिवर्स क्या होता है, इसका होता है साइन, तो क्या लिख दिया, साइन थीटा माइनस कॉट, कॉट का क्या होता है, लिखेंगे साइन और कॉस में तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। और इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इसको लिख दिया। अब देखिए साइन थीटा का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा,
हमें क्या प्राप्त होगा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अब पूरा क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल रूप से स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर स्क्वायर हम इंडिविजुअल रूप से सभी पे कर दें तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए हम परिचय के वीडियो में हमने सीखा था कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर रहे तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि दोनों माइनस में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ उसी तरीके से हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस क्या लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ये देखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन। अगर इसको कॉस स्क्वायर थीटा को इधर साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर एक यहाँ पर क्या कर दें कि अगर एक स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या एक ही रह जाएगा, इसलिए एक क्या कर दिया स्क्वायर कर दिए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक प्लस में एक क्या कर दीजिए माइनस में, यानी कि अगला स्टेप में हम क्या करेंगे एक प्लस में और एक क्या कर देंगे माइनस में, ठीक है। यानी इसको अगर यहाँ सोल्व करें तो क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा एक प्लस में एक माइनस में, यानी वन प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा और क्या होगा वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए वन माइनस कॉस थीटा वन इधर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इधर लोग कर जाएगा क्या बचेगा वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस क्या बचेगा कॉस थीटा, यानी हमें प्राप्त हो गया ये राइट साइड के जैसा, ठीक है। यानी हमें क्या कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर क्या है आर एच एस, यानी कि हमें क्या हो गया प्रूफ कर चुके हैं क्या एल एच एस बराबर आर एच एस। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है फाइव भी सोल्व कर लिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का दूसरा क्वेश्चन, नंबर फाइव का पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव का दूसरा क्वेश्चन। हमें इसमें भी हमको सिद्ध करना है यह है दाया पक्ष ये है पूरा क्या है बाया पक्ष, यानी कि दोनों को आपस में बराबर कर देना है, दाया पक्ष और बाया पक्ष आपस में बराबर कर देना है, यानी कि आर एच एस और एल एच एस आपस में बराबर कर देना है। तो ये है आर एच एस और इधर है एल एच एस, दोनों को बराबर करते हैं। देखिए पहले सोल्व करते हैं क्या है कि दोनों का पहले एल सी एम ले लेंगे, तो जब दोनों का एल सी एम लेंगे क्या होगा वन प्लस क्या हो जाएगा साइन ए आई इन टू क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब इससे हम भागा देंगे वन प्लस साइन ए से इसमें भागा देंगे तो वन प्लस साइन तो कट जाएगा बचेगा क्या हमारा कॉस ए, यही इसमें क्या होगा गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए कॉस ए से तो कॉस में तो कट जाएगा तो बचेगा क्या वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको देखिए, अब इसको अगर आगे हम सोल्व करते हैं तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा एक के स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, यानी कि बी स्क्वायर क्या हो गया यानी कि साइन स्क्वायर क्या है ए प्लस टू ए बी यानी कि टू साइन ए, अब बटा क्या हो जाएगा नीचे है वन प्लस साइन ए आई इंटू क्या है कॉस ए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स कॉस स्क्वायर ए अब प्लस में क्या साइन स्क्वायर ए, हम लोग परिचय के वीडियो में भी सीखा था और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से भी पहले मैंने फार्मूला को रिवाइज करवाया था कि साइन स्क्वायर ए या प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है वन होता है, यानी कि ई दोनों के बराबर लिख सकते हैं क्या वन लिख सकते हैं, हाँ तो क्या होगा वन एक के स्क्वायर तो एक हो गया, ये दोनों के बराबर क्या लिख सकते हैं ये दोनों के जोड़ में है इसके बराबर क्या लिख सकते हैं वन प्लस ये क्या है टू साइन ए वटा क्या है वन प्लस साइन ए इन टू क्या है कॉस ए, ठीक है। अब देखिए वन प्लस वन क्या होगा टू और प्लस क्या होगा टू साइन ए वटा क्या है वन प्लस क्या है साइन ए इन टू क्या है
कॉस ए। अब देखिए दो दो कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ हमें, वन प्लस क्या है साइन ए आई बटा क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए ठीक है इंटू क्या है कॉस ए। देखिए वन प्लस साइन ए कट गया तो क्या बचा टू बटा कॉस, तो टू बटा क्या बचा हमें कॉस ए। इसको नीचे वाले पार्ट को यहाँ लिख दिए तो क्या बचा जब वन प्लस साइन ए कट गया तो बचा क्या वन टू बटा क्या था कॉस ए, और कॉस को उल्टा क्या होता है सेक, यानी कहने के बाद दो बटा वन प्लस सेक ए कीजिएगा तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा यानी क्या हो जाएगा टू सेक ए। इस प्रकार से हमें सोल्व किया है एल एच एस को तो हमें प्राप्त क्या हो गया आर एच एस प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर क्या होता आर एच एस ठीक है, ये हमें साबित कर दिया है ठीक है। एन सी आर टी का 8.4 एक्सरसाइज काफ़ी बड़ा है और बाकी सब क्वेश्चनों को अगले पार्ट में करने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बाकी सब क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।